खनिया थाना में नवागत थाना प्रभारी सुरेश शर्मा ने थाने की कमान संभालते ही अपराधियों की रोकथाम, आपराधिक गतिविधियों से जुड़े लोगों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, जिससे अवैध शराब माफिया में जमकर हड़कंप मचा हुआ है। आज पीटीआई सुरेश शर्मा ने कच्ची जहरीली शराब बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी है। साथ ही पुलिस टीम ने गुडा व सिलपुरा कंजर डेरा पर दबिश दी, जहां भारी मात्रा में अवैध जहरीली शराब मिली। मौके से सैकड़ों भट्टियां तोड़कर नष्ट की गई, 20 लाख से अधिक का सामान जब्त किया गया है। जानकारी के मुताबिक मुखबिर के द्वारा सूचना मिली कि ग्राम गुढ़ में कंजर डेरा पर अवैध रूप से शराब बिक्री की जा रही है। सूचना से दबिश दी गई तो आरोपी धर्मेंद्र पुत्र बधिया कंजर, उम्र 27 साल, निवासी ग्राम बेदोरा, थाना बबीना, झांसी, उत्तर प्रदेश, हाल निवासी ग्राम गुडा वासिलपुरा के कब्जे से 60 लीटर हाथ भट्टी की बनी अवैध देशी शराब बरामद की गई है। वहीं सूचना के आधार पर आरोपी धर्मेंद्र को लेकर ग्राम सिलपुरा जब पुलिस पहुंची तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से करीब 50,000 लीटर लहान बरामद किया गया। बड़ी बड़ी भट्टियों से एक ड्रम यानी कि 200 लीटर का जहरीली शराब बनी हुई मिली। 20 किलो यूरिया खाद भी बोरी में मिला था। कुल मिलाकर इन सभी सामानों को नष्ट किया गया और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बरामद माल में 3 कट्टियों में 60 लीटर देशी हाथ भट्टी कच्ची शराब, 1 ड्रम जिसमें करीब 2000 लीटर हाथ भट्टी शराब, कुल 260 लीटर, 4 ड्रम 800 लीटर और 1500 लीटर की सिल्वर की 2 भट्टियां और उन पर सिल्वर के ढक्कन, शराब भरने की कट्टी, 50,000 लीटर लहान, जैसे मौके पर ही जेसीबी मशीन बुलाकर नष्ट किया। सिलपुरा पे कंजर डेरा पे आपने दबिश दिए, क्या क्या मिला वहाँ से, किस प्रकार की कार्रवाई की गई और कितने आरोपी गिरफ्तार? आज प्रातः मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि धर्मेंद्र कंजर जो गुड़र का रहने वाला है, वो अपने डेरा पर अवैध रूप से शराब बिक्री कर रहा है। उक्त सूचना पर से मैं महिला फोर्स आरक्षक गुड़र में दबिश दी गई तो करीब 60 लीटर शराब वहाँ मिली थी। इस संबंध में धर्मेंद्र से पूछताछ की तो उसने बताया कि सिलपुरा में हमारी शराब की फैक्ट्री लगी है, जहाँ भारी मात्रा में शराब उतर रही है। उक्त सूचना पर से उस आरोपी को, धर्मेंद्र को लेकर वहाँ सिलपुरा पहुँचे। सिलपुरा पहाड़ी के नीचे 2 बड़ी बड़ी भट्टियाँ लगी हुई थी, जिसमें शराब उतर रही थी, चालू हालत में थी तथा करीब 10,000 लीटर लहन था और करीब 200 लीटर शराब मिली थी। 5 ड्रम खाली मिले, भरे हुए मिले थे लहन के। इस प्रकार कुछ 20 लाख की शराब मिली थी, जिसमें पूरी शराब को और जो लहन था उसको नष्ट किया गया है जेसी मशीन बुला के, और धर्मेंद्र के खिलाफ 34(2), 34(1), 49 का की कार्रवाई की जा रही है।